सुर्खी में आए दिन इसके गाड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर बंद इसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला इसका? देखिए, इसमें कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है, इसका सारा काम हमारी सरकार के माध्यम से हो चुका था। और 84-85 में आदरणीय पूर्व में रहे मंत्री हिमाचल प्रदेश के और नूरपुर के बहुत ही वरिष्ठ नेता सतमा जी ने इसको कंसीव किया, पर बाद में डीपीआर नहीं बन पाई और ये प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया। जब मैं सातवें विधायक बना हूँ तो उसको हमने फिर से इसको रिवाइव किया। मैंने आदरणीय प्रेम कौर धूमल जी को, रविंद्र रवि जी को निवेदन किया, उन्होंने मेरी मदद की, हमने इसको प्रोजेक्ट को वापस पीना सिंह नहर के प्रोजेक्ट के रूप में आईपीएच डिवीजन में ट्रांसफर किया, नई डीपीआर क्रेडिट बोर्ड की बनाई और इसको हम लेके भारत सरकार के पास गए। हमने सीडब्ल्यूसी से क्लियरेंस भी ली, हमको स्टैग से भी क्लियरेंस मिली, हमको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस से हमने अप्लाई किया, उसके लिए जो हमने 2.5 करोड़ का शेयर जमा कराया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट की हमें अप्रूवल आ गई। वो डेट वाइज मैं आपको पूरे डिटेल्स में दे दूँ। और उसके बाद हमने जो है 2012 में 3 मार्च को धूमल जी से और रवि जी से इसका शिलान्यास कराया और इसका काम हमने शुरू कर दिया टनल का। अब इसमें टनल है, D1 है, D2, D3 और जो बड़ा डैम है वो चौड़ी में है, जहाँ पे उसको हमने एक कमल खट से जो है कालम नाला से उसको जो है जो स्लो डिचार्ज था उसको हमने इसके अंदर जोड़ के। पर बाद में क्या हुआ, जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमें लगा कि ये डिजाइन ठीक नहीं है और उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो हम पैसा छोड़ के थे उसके माध्यम से 35 करोड़ का उसमें खर्च हुआ और केवल टनल का काम जो ठेकेदार कर रहा था उसका ही काम चलता था। टनल के बाद 2017 में जब मैं फिर से विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बना हूँ, उसके बाद हमने इसकी स्पीड को खींचा है, हमने लगातार, क्योंकि हम इसको फास्ट ट्रैक में लेके जाना चाह रहे थे। फास्ट ट्रैक एक ऐसा प्रोग्राम था भारत सरकार ने शुरू किया था, मोदी जी ने शुरू किया था, जिसमें जल जीवन मिशन को जो सोर्सेज हमने तैयार करने थे, 99 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में तय हुए जहाँ पे इस काम को तुरंत खत्म करें और हमारे सोर्सेज पानी के इरीगेशन के पैदा हों। हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके क्योंकि हमने 50% पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया था, प्लस हम मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट नहीं किए, तो मल्टी डायमेंशनल के लिए हमने इसमें से जो है 200 LPS का डिस्चार्ज जो है निकाल के इरिगेशन के लिए यूज करने का निर्णय लिया, जो हमने नई डीपीआर बनाई, उसका जो उसका फॉल था वो बढ़ा के हमने 75 फुट किया ताकि 5 MW की बिजली पैदा कर सके, जो डैम का साइज रेज किया 75 मीटर से ताकि जो पानी का जो लॉकिंग होगी वो 9 किलोमीटर की होगी, तो टूरिज्म की एक्टिविटीज भी आएंगी और फिश कीपिंग भी वहाँ पे आएगी। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट बन गया और इसमें रोड क्लियरेंस भी काफ़ी बन गई, काफ़ी ऐसे ऐसे टनल्स बन गई जिनके ऊपर रोड्स भी बन गई और लोग आर पार भी जा सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट में हम पीना सिंह को लेकर दिल्ली गए और दिल्ली में हमको अल्टीमेटली जो है सरदार सागर सिंह सरोवर का प्रोजेक्ट जैसे गुजरात में खत्म हुआ तो हम 99 की लिस्ट में तो आ गए, पर हमारा 300 करोड़ का शेयर नहीं आ रहा, जो हमने सारा रिवाइज बजट बनाया वो 602 करोड़ का था। तो उसके लिए मैं जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी बात को सुना और हमें लगातार 19-20-21 में जो है लगभग 200 करोड़ के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पीना सिंह में कंट्रीब्यूट किया। ये जो 200 करोड़ आया उसके साथ हमने पूरे प्रोजेक्ट को रातों रात D1, D2, D3 ये सारा रातों रात हमें इसके काम के ऊपर काम लगा दिया और इसके ऊपर जो है हमने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बिछा दिए, टनल को भी कंप्लीट कर दिया, डायवर्शन बेयर को भी बनाया, चेक भी किया और उसके बाद जो है हमने डैम का साइज को बढ़ा के उसका लेवल ऊपर ले आना शुरू कर दिया। पर इन द मीन टाइम जब तक हमारा 300 करोड़ ना आता, ये हमने 300 करोड़ की कंट्रीब्यूशन करके इसमें थोड़ा सा 4-7 करोड़ का भी मार्केट का भी है वो सारा कंट्रीब्यूट करके हमने अपना शेयर प्रेजेंट कर दिया। अब जो हमने शेयर प्रेजेंट कर दिया था अपना 300 करोड़ पूरा करके, जो नेक्स्ट पैसा भारत सरकार का ना उसकी ये किस्त आ गई है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ भारत सरकार के आईपीएच मंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का, नड्डा जी का, सबका तय दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जयराम ठाकुर जी का, महेंद्र सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके आशीर्वाद से ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हुआ, धूमल जी का विशेष रूप से, रविंद्र रवि जी का विशेष रूप से, आप सबकी मेहनत से आज नूरपुर को पीना सिंह नहर का ये पैसा है। कांग्रेस का एक भी पैसे का कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट में नहीं है, इसको मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ। इस सरकार को बने हुए दो साल में आप बजट बताइए, एलोकेशन बताइए, पीना सिंह ने कितने पैसे दिए इन 2 साल में? मैं आपको बजट एलोकेशन दे रहा हूँ कि 3 साल में हमने लगभग 250 करोड़ रुपए दिए, आपने 2 साल में क्या दिया? या उससे पहले 12 से लेकर 17 तक आपकी गवर्नमेंट थी, आप बजट प्रोविजन निकाल के बताओ, इसमें बहस करने में तो होता है, लेट द पेपर स्पीक। आप बताइए कि आपने क्या बजट का प्रावधान किया? मैं 7 से 12 तक मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने रख दिया, 17 से लेकर 23 तक मैं रहा, मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने रख दिया। 101% प्रोजेक्ट ये 7 और 12 के बीच में और 17 और 22 के बीच में बनकर तैयार हुआ है, जो थोड़ी सी कसर रह गई है हम इसको फास्ट ट्रैक में ले आए हैं, अब लगभग 300 करोड़ रुपया हो रहा है
और मैं मुकेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भी जैसे ही पैसा मिला आपने भारत सरकार का धन्यवाद किया, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस पैसे को ठीक से आप खर्च करेंगे और नूपुर की जनता को कम से कम 12,000 हेक्टेयर को पानी लगेगा, पेपर्स में 5,000 हेक्टेयर का डीपर पे भेजा। अच्छा प्रणय, जन्माष्टमी आ रही है, बहुत बहुत बधाई आपको, इस जन्माष्टमी को राज्य स्तर का दर्जा आपने दिलाया था जी। अभी जो मैंने इसमें आपको मैं क्रेडिट कर दूं, जिला स्तर का भी मैंने दिलवाया और प्रदेश स्तर का भी हमें। अभी हम बात करें तो अब इस वाली जन्माष्टमी जो चीफ गेस्ट है वो डिप्टी कमिश्नर है, जबकि आपके टाइम में यहाँ पे गवर्नर रख गए। देखिए मुझे डिप्टी कमिश्नर के साथ कोई एलर्जी नहीं, मुझे एसपी साहब से कोई एलर्जी, मुझे तो केवल इस बात की निंदा करनी है कि सरकार ने इस स्टेट लेवल फंक्शन का स्तर कितना नीचे गिरा दिया। क्या नूरपुर के लोग गवर्नर साहब के योग्य नहीं है? क्या नूरपुर में महामहिम नहीं आ सकते थे? क्या आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं आ सकते थे? अगर आप चंबा जा सकते हैं तो नूरपुर आते क्या? हमारी जन्माष्टमी किसी से कम है क्या? हमारी जन्माष्टमी कोई प्रॉब्लम है आपको? हमारी जन्माष्टमी ऐतिहासिक नहीं है क्या? मीराबाई की कहानी इससे जुड़ी नहीं है क्या? ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो हम स्टेट लेवल को नहीं पूरा करते, जिसको मद्देनजर रखते हमारी सरकार ने उसको स्टेट लेवल का दर्जा दिया था? आज ये स्तर आ गया कि किसी मंत्री के पास समय नहीं, किसी सीएम के पास समय नहीं कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए वो 2 घंटे का समय ना निकाल सके। हम हाथी घोड़े और गवर्नर को लेकर आए थे और आप क्या लेकर? हमें डिप्टी कमिश्नर और एसपी से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम सरकार की व्यवस्था से है कि हम आप अगर हमारा मान सम्मान नहीं रख सकते हमारी बेइज्जती भी मत करिए। इवन एमएलए का भी रेपुटेशन कार्ड भी नाम नहीं है। नहीं है नाम, एमपी का नाम नहीं है, एमएलए का नाम नहीं, बड़ी शर्म की बात। सरकार की व्यवस्था प्रणाली पर यहाँ व्यवस्था परिवर्तन, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन का स्वागत।